हेलो स्टूडेंट्स, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर सेकंड में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री और सेल वाउचर की एंट्री किस प्रकार से करते हैं। यानी कि जब हम बीजी सॉफ्टवेयर में वाउचर एंट्री कर रहे होते हैं तो वाउचर के दौरान हमें किस प्रकार से लेजर क्रिएट करने होते हैं और किस प्रकार से हमें स्टॉक आइटम है क्रिएट करनी होती है। तो ये सब कुछ आज की इस क्लास में आपको ये रियल वाउचर रिकॉर्ड के थ्रू सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हम स्किप कर देते हैं और बाद में जब हम वाउचर की एंट्री करते हैं तो वहां पर हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड तक जरूर देखना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो बीजी सॉफ्टवेयर में हमें परचेज वाउचर की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन टैब पर हम जाएंगे। जैसे हम ट्रांजेक्शन टैब पर एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद जितने भी हमारी वाउचर्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले परचेज वाउचर की एंट्री करनी है तो हम परचेज पे एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के दौरान तीन ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला रहेगा ऐड का, उसके बाद मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड यानी कि हम नई वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, हमें ऐड करना होगा। अगर हमने कोई वाउचर की एंट्री ऑलरेडी कर दी है परचेज वाउचर की, उसमें अगर हमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, तो उस कंडीशन में हम मॉडिफाई पे जाएंगे। अगर आपने टोटल परचेज वाउचर कितनी एंट्री आपने कर दी उसकी पूरी डिटेल देखने के लिए आपको लिस्ट पर क्लिक करना होता है। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे, यानी कि हमें नई वाउचर की एंट्री करनी है। तो ऐड पर हम जाएंगे, तो जैसे हम ऐड पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी वाउचर खुला होता है उसका नाम यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, ऐड परचेज वाउचर, यानी कि हम परचेज वाउचर की एंट्री करने जा रहे हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा डेट का। तो डेट आपके पास जो भी वाउचर है और उस वाउचर पे जो भी डेट आपकी है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है, जैसे कि डेट ऑफ इनवॉइस जो भी है 1/5/23 की। एंटर प्रेस करेंगे 1/5/2023। उसके बाद में वाउचर नंबर, वाउचर नंबर मतलब जो आपके पास इनवॉइस आया है उस इनवॉइस का नंबर, यानी कि 324 नंबर, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में परचेज टाइप के अंदर आपके सामने कुछ ऑप्शन ये दिखाई देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आपके पास सेंट्रल से स्टार्ट होता है, सेंट्रल 12, 18, 28, 5, एग्जेम्प्ट, आइटम वाइज, मल्टी रेट, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद के अंदर लास्ट में नीचे स्टार्ट हो जाते हैं लोकल, यानी कि ये आपको किस टाइप की आपकी परचेज एंट्री आप कर रहे हो, यानी कि आप आउट ऑफ स्टेट से आपने कोई गुड्स परचेज किए उसकी एंट्री कर रहे हो तो आपको सेंट्रल पे देखना होगा। अगर आपने विद इन स्टेट, यानी कि हम राजस्थान से, और राजस्थान से हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, हमारे पास राजस्थान के सप्लायर का ही इनवॉइस है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोकल है उसकी परचेज पे जाएंगे। अब बात आएगी लोकल परचेज के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हमें कौन सा सिलेक्ट करना होगा। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके पास जो इनवॉइस आया है उस इनवॉइस के अंदर पर्टिकुलर किसी एक ही जीएसटी टैक्स रेट की अगर आइटम है तो आप यहाँ से पर्टिकुलर वो आइटम है, टैक्स रेट है, जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है वो 12% के सभी, तो आप केवल लोकल 12% यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास जो इनवॉइस आया है उस इनवॉइस के अंदर मल्टी जीएसटी रेट है, यानी कि उसके अंदर आपके पास में 5% वाले भी प्रोडक्ट है, 12 के भी हैं, 18 के भी हैं, 28 के भी हैं, टैक्स फ्री के भी हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास में फिर ऑप्शन बचता है, या तो आप उसको आइटम वाइज या फिर मल्टी रेट, दो ऑप्शन आप कोई भी दोनों में से चूज कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपने आइटम वाइज सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अलग से जीएसटी का लेजर है जो बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी के लेजर इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप मल्टी रेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको यहाँ पर जो जीएसटी के लेजर वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक बार मल्टी रेट पे लेके देखते हैं। हमने मल्टी रेट पर एंटर प्रेस कर दिया, और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि हमने सप्लायर का नाम कौन सा है, विजय ट्रेडिंग कंपनी, तो हम
विजय ट्रेडिंग कंपनी का। अगर आपके पास लेजर है तो ठीक है, अगर आप इसी वाउचर पे रहते हुए अगर आप नया लेजर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस करना है। तो जैसे हम F3 का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एड अकाउंट मास्टर, यानी कि आपको उस लेजर को एड करना है। तो हम सबसे पहले हमारे सप्लायर्स का यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी का। उसके बाद बात आएगी ग्रुप की, तो ये ग्रुप हमारे लिए रहेगा सैलरी क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे ये सप्लायर्स है, हमने इनसे गुड्स परचेज किए तो ये हमारे सप्लायर सैलरी क्रेडिटर होते हैं। उसके बाद में जो इनका एड्रेस है जो आपके इनवॉइस के ऊपर है उसको आपको यहाँ से लिखना होगा। मैं यहाँ से एक बार इनवॉइस को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में कंट्री इंडिया, स्टेट आपको देखना है स्टेट कौन सा है, यहाँ आप देख सकते हो अगर आपका कोड उसके GST नंबर से पहले 08 है तो वो राजस्थान का है। उसके बाद में टाइप ऑफ डीलर, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, अगर आपके पास इनवॉइस है और वहां पर आपको इस तरीके से टैक्स लग कर भी आए हुए तो वो रजिस्टर्ड ही होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको वहां पर रजिस्टर्ड करके और GST नंबर को लिखना होता है रजिस्टर्ड। और उसके बाद में जो इनकी रिटर्न फाइलिंग है वो किस प्रकार की रहती है, मंथली फाइल करता है आपका सप्लायर या फिर क्वार्टरली फाइल करता है, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में GST नंबर पे हम कंट्रोल V के साथ मैं पेस्ट कर देता हूँ, आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आधार नंबर जो भी इसके प्रोपराइटर हैं उनकी, उसके बाद में पैन नंबर, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा GST नंबर से ऑटोमेटिक है जो पिक कर लेगा। इसी तरीके से कुछ कॉन्टैक्ट की डिटेल यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, तो मैं इन सभी को एक बार स्किप कर रहा हूँ। और उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन और हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल। अगर आप इसको हम बिल बाई बिल आप इसकी मेंटेन करोगे, जो भी आप पेमेंट करोगे वो बिल टू बिल करोगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मेंटेन बिल बाई बिल को यस रखना होगा। और उसी तरीके से आप क्रेडिट डेज फॉर सेल और क्रेडिट डेज ऑफ परचेज, अगर यहाँ पर आप कोई परमानेंट फिक्स डेज करना चाहते हो, अभी हम इस सप्लायर से 7 दिन तक उधार हम खरीदेंगे या हम 5 दिन तक उधार इसको सेल करेंगे, 10 दिन की उधार तक हम सेल करेंगे, अगर आप इसको पर्टिकुलर कोई डेज फिक्स करना चाहते हो तो हम यहाँ पे इसको डेज भी फिक्स कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हमने इनसे प्रोडक्ट है जो परचेज किए हैं और वो प्रोडक्ट हमें 7 दिन के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट की पेमेंट है जो करनी है, तो आप यहाँ पे 7 डेज लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद में काफ़ी सारी इसकी बैंक की डिटेल वगैरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और उसके बाद सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना है या फिर आप F2 भी बटन प्रेस कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे हम परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको परचेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखाई देगा, भी लोकल आप परचेज कर रहे हो टैक्स वाउचर रेट का एज पर आइटम टैक्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में ITC एलिजिबिलिटी के लिए आपसे पूछा जाएगा, भी जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उसके आप ITC आपको क्लेम करना है, बिल्कुल क्लेम करना है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। उसके बाद में नरेशन डिटेल, अगर आप इस इनवॉइस से रिलेटेड वाउचर से रिलेटेड कोई नरेशन लिखना चाहते हो तो हम वो लिख सकते हैं। अब उसके बाद बात आएगी आइटम की, जो इस इनवॉइस के अंदर जो भी हमारे पास आइटम है वो आइटम, वैसे मैंने स्टॉक आइटम ऑलरेडी बना चुकी है और जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने लेजर और स्टॉक आइटम बनाना सीखा था, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको पता चले भी लेजर क्रिएट करने का, कंपनी क्रिएट करने का और स्टॉक आइटम क्रिएट करने का सही तरीका क्या है। लेकिन फिर भी मैंने एक ये जो स्टॉक आइटम है वो मैंने बनाई नहीं है, इसीलिए नहीं बनाई ताकि आपको मैं वाउचर एंट्री करने के दौरान आपको बता सकूं, भी अगर आप वाउचर पे रहते हुए भी परचेज स्टॉक आइटम की एंट्री है जो परचेज वाउचर के दौरान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने लेजर क्रिएट किया था शॉर्टकट F3 के साथ में, उसी तरीके से हम स्टॉक आइटम के लिए भी F3 यूज करेंगे। यह आप देख सकते हो ऑप्शन आ जाएगा एड आइटम मास्टर का, तो आपके पास जो स्टॉक आइटम है इनवॉइस के अकॉर्डिंग वो हमें लिखनी होती है। तो मैंने आइटम का नाम लिख दिया, उसके बाद में ग्रुप्स जो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं मैंने वो डाल दिया। अब ये ग्रुप किस तरीके से बनते हैं वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है। और उसके बाद में टैक्स कैटेगरी, यानी कि कितने परसेंट का GST इसके ऊपर लगा हुआ है, 6-6 यानी कि CGST भी 6 और SGST भी 6, तो 12% का ये प्रोडक्ट है। उसके बाद में HSN कोड इनवॉइस के अकॉर्डिंग 9405 का। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे सेल और परचेज की जो लेजर है वो हमें सेलेक्ट करने होंगे, तो सेल हमारी इलेक्ट्रिक गुड्स 12% की और परचेज के अंदर हम यहाँ पर परचेज का लेजर है जो सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके जो परचेज है उसके अंदर ये खाते जाते हैं। और उसके बाद में बात आएगी इसकी क्वांटिटी, हमने 24 पीस है जो क्वांटिटी परचेज करी है, तो हम क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में इसका जो
एक का जो टैक्सेबल रेट है वो है 176 रुपए, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में सेकंड आइटम है सिस्का एलईडी बल्ब 5 वाट का, उसके बाद क्वांटिटी हम लिखते हैं 75 पीसेस। एक का जो टैक्सेबल रेट है 87। उसके बाद में वॉल फैन, इसी तरीके से सब हम स्टॉक आइटम को यहां से सेलेक्ट करते जाएंगे और उसका रेट है इनवॉइस के अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। और उसके बाद में क्वांटिटी है 20 पीस और 3360 रुपये एक का रेट है। उसके बाद के अंदर इसका लेट बल्ब 9 वाट, क्वांटिटी है 37 पीस और 114 रुपये इसका रेट है। तो अगर हम बात करें भी अब यहाँ पर हमारा इनवॉइस का जो टोटल बना है 98,365 रुपये और 28 पैसे का, और यहाँ आप देखोगे टोटल अमाउंट है 111,141 रुपये का। तो अब हमें यहाँ पर क्योंकि हमने मल्टी रेट लिया हुआ है तो इसलिए हमें टैक्स के लेजर यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले हम CGST को सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास टैक्स रेट है 12 और 18, यानी कि हम CGST 6% तो आप SGST 6% इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से हम CGST 9% लेंगे तो SGST 9% भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 111,141 रुपये और 2 पैसे बन चुकी है, और इनवॉइस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी 111,141 रुपये। अब यानी कि दो पैसे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको हम यहाँ से राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ को हम माइनस करेंगे 0.02 के साथ। अगर हमने यहाँ पर मल्टी रेट की बजाय हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते लोकल आइटम वाइज, तो उस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर CGST और SGST के जो लेजर है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। हम इसको सेव करेंगे, उसके बाद के अंदर हमारी जो परचेज की डिटेल है वो यहाँ पर एक बार पूछा जाएगा। उसके बाद में जो हमारा बिल बाय बिल हमने मेंटेन को यस किया था उसकी वजह से ये ऑप्शन आपके पास आएगा। न्यू रेफरेंस रहेगा 324 नंबर जो वाउचर नंबर है यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा ये। और इसकी अगर आप ड्यू डेट देना चाहते हो भी इसकी पेमेंट हमें कितनी तारीख तक करनी है तो आप ड्यू डेट भी यहाँ पर आप दे सकते हो, एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में टोटल ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल जो भी हमारे पास अवेलेबल रहेगी इनवॉइस से रिलेटेड वगैरह तो वो हम यहाँ पर सारी लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इस परचेज वाउचर की एंट्री को सेव कर लेंगे। अब बात आएगी सेल वाउचर की, अगर हमें इन्हीं प्रोडक्ट को अगर सेल करना हो तो सेल की कंडीशन के लिए हमें क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन पर हम जाएंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद में सेम वही डेट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हमारी जो हमने 1 मई को ही सेल किया तो अब यहां आप देख सकते हो इसका जो वाउचर की जो सीरीज है, अब इसकी सीरीज को अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल इनवॉइस है और इस सेल इनवॉइस के अंदर जो हमारा टैक्स का इनवॉइस नंबर है वो STC 001 है, तो आप STC 001 अगर आप इसके अंदर रखना चाहते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाउचर के ऑप्शन को मैनुअल करना पड़ेगा। अब मैनुअल हम कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर पर, कॉन्फ़िगरेशन पर और वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और मेन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा वाउचर नंबरिंग का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे मैनुअल। और उसके बाद ऑप्शन हमारे से पूछा जाएगा भी डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी कि अगर आप एक ही वाउचर नंबर को दो बार लिखोगे तो अलाउ करना है या नहीं करना, हमें डोंट अलाउ करना है। उसके बाद पूछा जाएगा भी ब्लैंक वाउचर नंबर, आप वाउचर नंबर नहीं लिखना चाहते, उस वाउचर नंबर को बिल्कुल ब्लैंक यानी कि खाली रखना चाहते हो तो वो भी आप रखोगे क्या, हमें खाली भी नहीं रखना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डोंट अलाउ करके इसको हम सेव कर देंगे। अब वापस हम ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, सेल पे चलते हैं, एड पे हम जाएंगे 1-5। अब आप देखोगे वाउचर नंबर यहाँ पर मैनुअल लिखना पड़ेगा, तो जो हमारे पास वाउचर नंबर है वो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो अब उसके बाद में जैसा परचेज टाइप के अंदर था सेम ऑप्शन हमें सेल टाइप के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हो तो सेंट्रल पे आपको जाना पड़ेगा, अगर आप लोकल के अंदर सेल कर रहे हो विद इन स्टेट यानी कि इंटर स्टेट अगर आप कर रहे हो तो आपको लोकल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोकल मल्टी रेट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने किसी को हमारे कस्टमर सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को इनवॉइस जो दे दिया। उसके बाद स्टॉक आइटम हमारे पास मान लीजिए हमने इसको एक प्रोडक्ट ये सेल किया है इसका एलईडी बल्ब, क्वांटिटी मान लीजिए हमने 5 पीस रख दी और यहाँ पर आपको एक का रेट देना है, यहाँ पर कौन सा रेट आएगा, टैक्सेबल रेट, ठीक है ना। अब टैक्सेबल रेट मान लीजिए हमने कर दिया इसका 250 रुपये,
ठीक है, तो 1250 रुपये बन गए। अगर उसके बाद में सेकंड आइटम जिसे हम परचेज वाउचर के अंदर कर रहे थे, उसी तरीके से आप सेकंड आइटम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको मान लीजिए सिंगल आइटम आपको सेल करनी है और यहाँ पर आपको टैक्स लगाना है, तो आपको टैब बटन प्रेस करना है, आप इस बिल समरी के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आपको सीजीएसटी टैक्स सिलेक्ट करना है 6% का, तो एसजीएसटी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा 6% का, 1400 रुपये का। ये आपका इस तरीके से सेल इनवॉइस हो जाएगा। जैसे हम सेव करेंगे उसके बाद में आपसे जीएसटी नंबर की वार्निंग देगा, अगर आपने कोई जीएसटी नंबर गलत लिख दिया हो या नहीं लिखा हो तो यहाँ से आपको बारी बारी वार्निंग करता रहेगा। इसी तरीके से बिल बाई बिल डिटेल के अंदर सेम वही ऑप्शन न्यू रेफरेंस, यहाँ पर इस रेफरेंस नंबर के अंदर जो हमारा वाउचर नंबर था वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही ड्यू डेट का ऑप्शन, आप इस इनवॉइस को कितने दिनों तक उधार दे रहे हो उसके बाद ब्याज लगेगा, तो ड्यू डेट आप दे सकते हो। मान लीजिए हमने कह दिया इसको हम 10 तारीख तक उधार देंगे, यानी कि 11 तारीख के बाद इसके ऊपर ब्याज है जो लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद में सेम वही ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पर जरूर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप करोगे तो आपसे ये पूछ लेगा भी प्रिंट करना है या नहीं करना। ये करना है तो आपको यस पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको कौन सा स्टैंडर्ड, हाफ पेज, 3 इंच 4 इंच, इस तरीके से मान लीजिए हम स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसका एक बार प्रीव्यू देखना चाहते हैं। और प्रीव्यू देने से पहले आप इसके एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो उसकी, ये कौन से ऑप्शन आपको दिखाने हैं कौन से ऑप्शन आपको नहीं दिखाने हैं। मैंने एक बार स्किप कर दिया और उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सेल का इनवॉइस है जो आपके सामने प्रिंट होके आएगा। और इसको हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो इस तरीके से टैक्स की डिटेल वगैरह आपको इनवॉइस के अंदर नीचे लग जाएगी। तो इस तरीके से हम बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सेल इनवॉइस की एंट्री भी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना।